بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलाम वालेकुम. पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की तरफ से बहुत ही शानदार जॉब अनाउंसमेंट है. जॉब की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में क्लिक कीजिए ताकि आपको हर वीडियो टाइम पर मिलती रहे. ये एडवर्टाइजमेंट द नेशन न्यूज़पेपर में 11 दिसंबर 2022 को शाया की है. मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां चेक कर सकते हैं. आइए जाते हैं जॉब की डिटेल की तरफ. रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2022. एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तानी शहरियों की मजार कॉन्ट्रैक्ट की बिना पर एडमिटेशन मतलूब है. इन जॉब के लिए काबिलियत, तजर्बा और उम्र की हद दी गई है जो मजल है. सिरे नंबर, नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट, क्वालिफिकेशन. नंबर 1 नर्स, SPA 6. स्पेशल पे स्केल दी जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होगी. सैलरी 44,360 शुरू होगी. 1,19,360 रुपये तक जाएगी. नंबर ऑफ पोस्ट 2. क्वालिफिकेशन 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल से और 8 साल का तजर्बा होना चाहिए मॉडिफाइड कोर्स यानी दाइटा और 2 साल का तजर्बा होना चाहिए. पॉइंट बी, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में, 8 साल का कोर्स होना चाहिए ICU वार्ड का और रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए PNC से और 2 साल का तजर्बा होना चाहिए. पॉइंट सी, 4 साल की डिग्री होनी चाहिए BSc नर्सिंग, तजर्बे की कोई जरूरत नहीं. पॉइंट डी, अगर आपने MSc नर्सिंग की है तो तब भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं. नंबर 2 साइंटिफिक असिस्टेंट 1 SPS 4. स्पेशल पे स्केल जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होगी. पे 33,320 से लेकर 89,220 रुपये तक जाएगी. नंबर ऑफ पोस्ट 3. पॉइंट ए, साइंटिफिक असिस्टेंट 1 एजुकेशन BSc फर्स्ट डिवीजन के साथ इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं. नंबर बी, साइंटिफिक असिस्टेंट 1 एजुकेशन BSc फर्स्ट डिवीजन के साथ केमिस्ट्री इन रिलेटिव फील्ड रेडियो फार्मेसी, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं. नंबर 3 टेट 3 SPS 2 स्पेशल पे स्टिल जेडा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होगी. रेडियोलॉजी पे 21,830 रुपये से शुरू होगी, 57,530 रुपये तक जाएगी. नंबर ऑफ पोस्ट 1 एजुकेशन मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन साथ होनी चाहिए. अगर साल डिवीजन है तो 50% मार्क्स होने चाहिए और 6 साल का तजर्बा होना चाहिए रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर. पॉइंट बी, मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन साथ होनी चाहिए. अगर साल डिवीजन है तो 50% मार्क्स होने चाहिए. 8 साल तजर्बा होना चाहिए रेडियोलॉजी के अंदर. 8 साल का कोर्स होना चाहिए रेडियोलॉजी के अंदर और 5 साल का तजर्बा होना चाहिए रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर. नंबर 4 डिस्पैच रेडर SPS 2 कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होगी. नंबर ऑफ पोस्ट 1 एजुकेशन मैट्रिक सारे डिवीजन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और मोटरसाइकिल का लाइसेंस होना जरूरी है. 2 साल तजर्बा होना चाहिए. इम्पोर्टेंट नोट, जरूरी हदायत. नंबर 1 कैंडिडेट उम्मीदवार की उम्र 18 से 35 साल के दरमियान होनी चाहिए. नंबर 2 कैंडिडेट उम्मीदवार के पास फाइनल डिग्री फर्स्ट डिवीजन के साथ होनी चाहिए. पूरे तलीमी ट्रेन में 1 साल डिवीजन टैबलेट कबूल होगी. नंबर 3 कैंडिडेट उम्मीदवार के तमाम तलीमी सर्टिफिकेट हुकूमत से मंजूर शुदा होने चाहिए. सिर्फ वही उम्मीदवार अपडेशन दे सकते हैं जो मुटारा अहरियत के मियार पूरा उतरते हैं और अपडेशन दे सकते हैं. इंतखाब के दौरान बाद में किसी भी मराहल पर मनसूख किया जा सकता है. इंतखाब के दौरान या बाद में कोई दावा टैबलेट कबूल नहीं किया जाएगा. नंबर 4 कैंडिडेट उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कापी ऑफ ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट ट्रांसमिशन एक्सपीरियंस इफ एनी डॉक्यूमेंट CNIC कापी डोमिसाइल 26/12/2022 तक इस एड्रेस पर सेंड कर दें. प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन PO बॉक्स नंबर 10068 लाहौर. नामुकम्मल एप्लीकेशन और 3 के बाद वसूल होने वाली एप्लीकेशन पर गौर नहीं किया जाएगा. नंबर 5 इनवेलप के राइट कॉर्नर के ऊपर पोस्ट का नाम वाजी तौर पर लिखें. नंबर 6 टेस्ट इंटरव्यू के लिए सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा जो मियार पर पूरे उतरते हैं. टेस्ट इंटरव्यू के दौरान किसी को TAD नहीं दिया जाएगा. नंबर 7 अदारा या इंस्टीट्यूट बगैर की वजह बताए किसी भी वक्त जॉब को मंजूर कर सकता है. ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है जो फिल करना बहुत आसान है. इस एप्लीकेशन के साथ अपने तमाम डॉक्यूमेंट इस PO बॉक्स नंबर पर सेंड कर दें. प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन PO बॉक्स नंबर 10068 लाहौर. उम्मीद करता हूँ ये जॉब आपको बहुत पसंद आई होगी. इस वजह से लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरों फंस सके. मिलते हैं इस वीडियो में. हाफिज़.